प्रथम तहलका न्यूज। प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाने के बाद इस बार कुछ रियायतें भी दी है। दरअसल बाजारों को खोलने को लेकर सरकार के द्वारा ओड इवन का फॉर्मूला जारी किया गया था, तो वहीं रेवाड़ी में आज के दिन बाजार की सभी दुकानें ओड इवन के इसी फॉर्मूले पर खुली दिखी। आधी दुकानें एक दिन और बाकी की दुकानें दूसरे दिन खोली जा सकेगी। इसके लिए दुकानों की नंबरिंग की गई है। रेवाड़ी, बावल और धारूहेड़ा में प्रशासनिक आदेशों के तुरंत बाद ही दुकानों पर नंबर लिखने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो कि देर रात तक जारी रही। हालांकि इस फॉर्मूले पर आज बाजार खुलने पर व्यापारियों ने नाखुशी जाहिर की है। दुकानदार कोई भी खुश नहीं है, ये कोई टाइमिंग नहीं है। 7 से 12, 9 से 2, 9 से 3, जो भी प्रशासन टाइम देता वो सारा बाजार खुलता, भीड़ भी नहीं होती। ओड इवन वाला फैसला जितने वाला नहीं, जो जिनका नंबर नहीं है वो भी बाहर बैठे हैं दुकानदार। पर प्रधान जी, लगातार जिस तरीके से रेवाड़ी के अंदर केस बढ़ रहे हैं और 200 के करीब लगभग यहाँ मौतें भी हो चुकी हैं, और ऐसे में इस प्रकार का फैसला लेना क्या महामारी को दोबारा से निमंत्रण देना नहीं है? ऐसा जी, सरकार की अपनी मंशा है, लेकिन हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। अभी 10 दिन और लॉकडाउन चाहिए था, और बाजार खुलना चाहिए तो 9 से 2 या 3, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहती, सब व्यापारी अपना धंधे में भी लग जाते हैं। एक महीने से खाली बैठा है व्यापारी, रोटी खाने को नहीं है, हर चीज़ लेबर की तनख्वाह कहाँ से देगा, बिजली का बिल कहाँ से भरेगा, बैंक की किस्तें कहाँ से भरेगा। सर, ये मैं जो टाइमिंग बहुत चलता है सर, ये टाइमिंग होनी चाहिए 9 से 4 बजे तक की, क्योंकि सुबह कोई भी 7 बजे नहीं आता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम है, हमें इससे टाइम से बहुत ज़्यादा इतना जाना, और जो ये काम कर रहा है अच्छा तरह की दुआ में थोड़ी बहुत हो रही है, ओपन हो रही है, परंतु हमें टाइम थोड़ा चेंज किया। मेरी मेरी बहुत बड़ी विनती आपसे करना चाहोगे? मैं जनता से चाहूंगा कि थोड़ी बहुत मास्क लगाए चेहरे पे और क्या बहुत सोशल डिस्टेंसिंग दे। पूरा बता दें कि बीते दिनों ही सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया था, और इस दौरान बाजारों को खोलने के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला जारी किया गया था। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।